नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को एक बार फिर डर सताने लगा है कि कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। 40 देशों के खुफिया विभाग के अधिकारी भारत में हैं। और दूसरी खबर में देखेंगे कि ट्विटर अब इलोन मस्क की मुट्ठी में है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त दुनिया में भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही है। हर बड़े से बड़ा देश इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है। आज अमरीका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, हर ताकतवर देश भारत के साथ दोस्ती और ज्यादा गहरा करना चाहता है। रूस और यूक्रेन जंग के बाद तो अमरीका ने यह तक कह दिया कि वह भारत के साथ नए रिश्ते मजबूत करने की तरफ विचार कर रहा है। अभी हाल ही में दिल्ली दौरे पर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी भारत के साथ रिश्ता मजबूत करने की बात कही है। अब भारत की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में एक बैठक हो रही है जिसमें 40 देशों के खुफिया एजेंसी भाग ले रही हैं। ये मीटिंग बेहद ही अहम बताई जा रही है। दुनिया के 40 से ज्यादा देशों की खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी भारत दौरे पर है और दिल्ली में आज इंटेलिजेंस एजेंसीज की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में आतंकवाद, ड्रग्स और दुनिया के सामने मौजूदा संकट पर चर्चा हो रही है। खुफिया एजेंसी की बैठक में कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपियन देशों के इंटेलिजेंस अफसर शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कई देशों के बड़े खुफिया अधिकारी भी दिल्ली में जुट रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी इस बैठक में शामिल रहेंगे। इस बैठक में चीन को लेकर भी खास रिपोर्ट तैयार की जाएगी। चीन को लेकर इस बैठक में चर्चा इसलिए होगी क्योंकि इन दिनों चीन ने कई देशों के नाक में दम कर रखा है, कई देशों की सीमा में जबरन घुसने की कोशिश कर रहा है। भारत संघ भी लंबे समय से सीमा विवाद चल रहा है, वह अपनी विस्तारवादी नीतियों पर अड़ा है और गलवान जैसी घटना के बाद पड़ोसी मुल्क के साथ द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट आई है। दिल्ली में 24 और 25 अप्रैल को यह बैठक हो रही है। इस मीटिंग का आयोजन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की ओर से किया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर 40 देश के इंटेलिजेंस विभाग के लोग भारत में हो और उन 40 देशों में चाइना और पाकिस्तान की ISI के अधिकारी ना हो तो दिमाग में तो घंटी बजेगी। अब भारत बार बार कह चुका है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत जल्दी कब्जे में ले लेगा, तो पाकिस्तान को ये टेंशन सता रही है कि कहीं इन सब उद्देश्यों की प्लानिंग तो नहीं चल रही है। और ऊपर से इंडिया के जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल मीटिंग को हेड कर रहे हैं, जिसे पाकिस्तान वैसे ही खौफ में रहता है। अजीत डोवाल के एक बयान से पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। अब अपना दुखड़ा लेकर जाएंगे कहाँ चाइना, जिसका खुद इंडिया के साथ बॉर्डर पर लफड़ा चल रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। हाल ही में ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क ने $43 बिलियन का ऑफर दिया था, उसको लेकर काफी विवाद होने लगा था। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर मस्क के साथ ये डील करने की तैयारी में है। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्विटर एलन मस्क के $54.20 प्रति शेयर डील को मान लेगी। कंपनी इसके लिए मस्क के साथ बातचीत कर रही है और ज्यादा अच्छे ऑफर तलाश करने की कोशिश कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार टेस्ला के बॉस एलन मस्क लगातार ट्विटर शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्विटर को प्राइवेट बना देने से ये फ्री स्पीच के लिए प्लेटफॉर्म देने वाले मकसद में कामयाब हो पाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई ट्विटर शेयर होल्डर्स ने इसको लेकर कंपनी से मुलाकात की है और एलन मस्क की इस डील को हाथ से नहीं जाने देने के लिए कहा है। इससे पहले एलन मस्क ने कहा था कि ट्विटर को लेकर यह सबसे अच्छी डील और फाइनल डील है। अब कहा जा रहा है कि ट्विटर बोर्ड ने फैसला किया है कि वो मस्क के साथ बातचीत करके इस डील पर और ज्यादा जानकारी चाहता है। सोर्स के अनुसार ट्विटर बोर्ड ये देखना चाहता है कि एलन मस्क इस डील को पूरी तरह से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ट्विटर US सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जैसे इन्वेस्टिगेशन रेगुलेटर के जरिए इस डील को लेकर होने वाले रिस्क के बारे में भी जानना चाहता है। एलन मस्क के ऑफर के बाद सोशल मीडिया कंपनी ने पॉइजन पिल का इस्तेमाल कर एलन मस्क के शेयर को कंपनी में 15% से बढ़ने से रोक दिया था। अभी एलन मस्क की कंपनी में लगभग 9% का शेयर है। अब एलन मस्क इसके जवाब में टेंडर ऑफर देने की धमकी भी दी है, जिससे ट्विटर शेयर होल्डर उनकी बोली को सपोर्ट कर सकते हैं। इससे पहले द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी रिपोर्ट किया था कि ट्विटर और एलन मस्क मिलकर इस डील पर बातचीत कर सकते हैं।